दोस्तों कार चलाने का सही तरीका बता रहा हूं इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में बताया जाएगा भैया कार कैसे चलानी चाहिए ऑन हाईवे पे। ऊपर हाईवे पे चल रहा हूं भैया, नेशनल हाईवे 1 जो दिल्ली से जम्मू कश्मीर की तरफ जाता है दोस्तों, यहां इस रोड के ऊपर चल रहा हूं। और मैं चला रहा हूं दोस्तों, ये 3 लाइन फ्लाईओवर बन रहा हुआ है और 3 लाइन फ्लाईओवर के बीच वाली लाइन के अंदर मैं चला रहा हूं। ना तो मैं लाइन के ऊपर जा रहा हूं, ना मैं लाइन के उधर जा रहा हूं, ना इधर जा रहा हूं दोस्तों। जिसने मुझे ओवरटेक करना है, गाड़ी चला रहा हूं भैया 70 की स्पीड में, 70 की स्पीड में चला रहा हूं गाड़ी। तो 70 की स्पीड में चलाते हुए मैं बीच वाली लाइन को पकड़ के चल रहा हूं। जो आगे आपको ट्रक भी दिख रहा होगा, ट्रक जा रहा है वो भी बीच वाली लाइन में, क्यों? क्योंकि भैया वो भी अपनी लिमिट की स्पीड में चल रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो बना रहा हूं इसीलिए क्योंकि आपको अगर सेफ एंड बढ़िया गाड़ी चलाते हुए जाना है तो दोस्तों ये आपको वीडियो देखनी बहुत जरूरी है। मैं चला रहा हूं बीच वाली लाइन में, 70 की स्पीड में चला रहा हूं। 70 की स्पीड में मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी तरह की। अब मुझे ओवरटेक करना है इसको, मैंने राइट मिरर की तरफ देखा, कोई नहीं है, ओवरटेक कर लिया अपनी ही स्पीड में। हल्का सा पंजा दबा दिया, 70 to 75 कर दिया ताकि मैं ट्रक को ओवरटेक कर लूं। दोस्तों ये हो गया बिल्कुल बढ़िया तरीका ओवरटेक का भी। अब मैं बीच वाली लाइन नहीं दिख रही, बट मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि बीच वाली लाइन में ही चल रहा हूं। जिसने मुझे ओवरटेक करना है राइट से लेफ्ट से करता हुआ चला जाएगा, मुझे कोई परेशान नहीं करेगा किसी तरह की, कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे। इसीलिए दोस्तों मैं बता रहा हूं कि इस वीडियो में कि भैया आपको हमेशा अगर लिमिट में चलानी है गाड़ी, स्पीड में बिल्कुल ओके चलानी है, 70-80 की स्पीड में चलानी है, तो बीच वाली लाइन को पकड़ के चला करो। बीच वाली लाइन को पकड़ के चलोगे तो दोस्तों कोई आपको हॉर्न मारती हुई गाड़ी नहीं जाएगी, कोई आपको तंग नहीं करेगा, कोई आपको पीछे खड़ा होगे, ब्रेक आपने हल्की कम भी कर ली तब भी भैया वो राइट लेफ्ट से आपको ओवरटेक करता हुआ चला जाएगा। तो दोस्तों ये आज की वीडियो में बता रहा हूँ बिल्कुल बढ़िया आपको तरीका, ये चलाने का तरीका है। अब मैं इसे ओवर, फौजियों का ट्रक जा रहा है भैया, जय हिंद जय हिंद। दोस्तों ये ट्रक को मैंने ओवरटेक करा राइट से और फिर मैं आ गया अपनी बीच वाली लाइन में। तो दोस्तों ये तो था आपको बिल्कुल तरीका बढ़िया चलाने का कि गाड़ी को कैसे चलाया जाता है। हाँ दोस्तों मैं विकी, पहचाना है? नहीं। नाम तो सुना ही होगा यार? नहीं। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं जा रहा हूँ आज दिल्ली की तरफ, किसी को लेके दिल्ली जाना है, दिल्ली एयरपोर्ट छोड़ के मैं फ्री, उसके बाद मैं पानीपत वापसी आ जाऊंगा। तो दोस्तों बने रहना इस वीडियो, बने क्या रहना यार, मैं तो वीडियो ही एंड करने वाला हूँ इसको। थोड़ा सा आपको नॉलेज दी, उसके बाद मैं अपना घर की तरफ, एयरपोर्ट छोड़ना है, उसके बाद मुझे वापसी आ जाना है दोस्तों। दोस्तों बस यही बताना चाहूंगा, नेशनल हाईवे कोई भी है, चाहे इंडिया का कोई भी हाईवे है, ठीक है, गाड़ियां बहुत अच्छी अच्छी है हमारे पास, आपके पास, सॉरी मेरे पास तो पुरानी गाड़ी है, बट 90 की स्पीड से ऊपर मत चलाया करो दोस्तों। 90 स्पीड बहुत ज्यादा सफिशिएंट रहती है स्पीड, वो भी नेशनल हाईवे के ऊपर। अगर सिंगल रोड हाईवे पे चल रहे हो तो 70 के ऊपर मत जाया करो दोस्तों, ये मेरी एडवाइस रहेगी आप लोगों को। क्यों कहेंगे? क्योंकि भैया मैं 16 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, 16 साल कम नहीं होते दोस्तों। 16 साल में जो एक्सपीरियंस गेन किया है वो गेन आपको बता रहा हूँ कि सिंगल है, सिंगल रोड हाईवे पे 70 की स्पीड बहुत एफिशिएंट रहती है, नेशनल हाईवे पे 90 की स्पीड बहुत ज्यादा एफिशिएंट रहती है। 110 120 चलाऊंगा मैं तो भैया, तू बोलता रहे ना दोस्तों, गलतियां की हैं उसके बाद जाके आज इस पोजीशन पे आया हूँ जो बताने पा रहा हूँ कि आपको भैया 90 की स्पीड बहुत ज्यादा एफिशिएंट रहती है। दोस्तों इससे ऊपर मत चलाया करो दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या होता है, गाड़ी आपके कंट्रोल में रहती है। गाड़ी जब आपके कंट्रोल में रहेगी ना दोस्तों, तो आप बचा भी पाओगे सामने वालों को भी, अपने आप को भी, अपनी फैमिली को भी। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।